हेलो बच्चों देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम आर एस वगैरह ये सब निकालते हैं और वो बहुत आसानी से हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कितने आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे कितने आपके नहीं बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल इनएक्टिव इन सब चीजों की तो आप बात कर ही लेंगे कंफ्यूजन कहाँ होगा उस चीजों पे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं देखिए हमने बात करी थी रिजोल्यूशन की आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि रिजोल्यूशन क्या होता है ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम पेयर ऑफ इनांश्योमर्स को क्या करते हैं सेपरेट आउट करते हैं या अलग करते हैं ना टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट द पेयर ऑफ इनाशियोमर अब देखिए हमारे पास में जो इनांशमर्स होते हैं कुछ इनांशोमर्स जिनको आप सेपरेट कर सकते हो और कुछ को नहीं कर सकते हो तो ऐसे इनांशोमर्स के पेयर जिन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिजोल्वेबल क्या बोलते हैं रिजोल्वेबल इसको याद रखना पेयर ऑफ इनाशोमर्स कैन बी सेपरेटेड आर नोन एज रिजोल्वेबल और नॉन रिजोल्वेबल का मतलब होता है पेयर ऑफ इनाशोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड तो अब मेरे पास में नॉन रिजोल्वेबल के एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पेरा फिनांशियोमर्स आपके नॉन रिजोल्वेबल होते हैं क्लियर तो सबसे पहले आपको एक मीजो कंपाउंड के बारे में पढ़ाया जाता है तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें हमारे पास में कायरल होते हुए भी क्या होते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं तो याद रखें कि जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं नॉन रिजोल्वेबल होते हैं मैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड के एग्जाम्पल्स बता रही हूँ राइट right? तो मेरे पास में क्या मीजो क्या आ जाएगा? कंपाउंड है? एक आपका नॉन का एग्जाम्पल ठीक है, है दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है ऐसे कंपाउंड जो पैरामिडल इन्वर्जन रखते हैं वो भी आपके नॉन रिजोल्वेबल होते हैं तो क्या याद रखोगे द कंपाउंड द कंपाउंड विच विल शो शो pyramidal इन्वर्जन pyramidal इन्वर्जन आर pyramidal inversions राइट आर नॉन रिजोल्वल ये आपका मोस्ट फेमस क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आप जब नॉन रिजोल्वल का एग्जाम्पल में जब पायरामिडल इन्वर्जन वाले क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए लेकिन देखिए अगर मैं पैरामिडल इन्वर्जन कहा होगा आपने नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेर होता है यहाँ पे मैंने चार आ, इसकी डिफरेंट बैलेंसी से इसे सेटिस्फाइड कर दिया राइट अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाती हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास में क्या करेगा मिरर इमेज तो देगा देखो जरा यहाँ पे ये आया इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद में यहाँ पे ये R3 थ्री यहाँ पे आपका R2 बन गया यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया R1 बन गया है ना तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यार ये तो क्या है इनाशियोर्स से तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या होता है इसमें पैरामिडल इन्वर्जन होता है पायरा इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि किस तरह से कि जैसे ये ये फॉर्म है ना तो ये इस फॉर्म में जल्दी से आपके पास में नाइट्रोजन नाइट्रोजन से यहाँ पे ये ऐसे जाएगा यहाँ पे इधर आर आ जाता है यहाँ पे मेरे पास में आर आ जाता है और यहाँ पे मेरे पास में आर आता है उसके बाद फिर ये ऐसा आता है तो इसको हम बोलते हैं पैरामिडल इन्वर्जन और इस पैरामिडल इन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी इस वजह से तो जन रखने वाले कंपाउंड है ये भी क्या आपके हैं नॉन रिजॉल्वेबल है और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जितने भी नॉन रिजोर्वेबल कंपाउंड है ना जितने भी नॉन रिजोल्वेबल कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं तो आप यहाँ पे देख के चक्कर आ जाओगे कि नाइट्रोजन फोर डिफरेंट उससे जुड़ा हुआ है वायलेंसिस है कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है ड्यू टू द पैरामेडल इन्वर्जन इसलिए मैं यहाँ पे जोड़ दे रही हूँ एक और इसका एग्जाम्पल है हमारा वो मैं आपको बताती हूँ की पैरामेडल सॉरी आपका नॉन रिजोर्वेबल का एक और एग्जाम्पल क्या है ठीक है ना इतना जल्दी से नोट कर लीजिए आप सो so, पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि नॉन रिजोल्वेबल कौन होता है सेकेंड एग्जाम्पल ने देखा कि पहला क्या था मीजू था सेकेंड क्या था हमारा पैरामिडल इन्वर्जन रखने वाली कंपाउंड इन थर्ड है हमारा द कंपाउंड विल शो कन्फर्मेशनल इनाशियो मर्स जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे सिस वन टू सिस डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लो है यहाँ पे मैंने क्या करा है कि कोई भी ग्रुप अब यहाँ पे ग्रुप आप कोई भी लगा सकते हो जैसे ओ OH एच हो सकता है एन हो सकता है सीएलआर कोई सा भी आप ग्रुप लगा दीजिए तो ये आपस में जब एक दूसरे के देखिये मिरर इमेज है कंफर्मेशनल इनाश्योमर्स होंगे लेकिन ये क्या होंगे नॉन रिजोल्वेबल होंगे ठीक है ना इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो न्यूमन में आप इसको देखेंगे कि मेरे पास में अगर यहाँ पे एम ई है यहाँ पे एक एच है यहाँ पे एक एच है और इसके बैक साइड जो कार्बन है उस बैक साइड वाले कार्बन पे यहाँ पे एक एम ई लगा है यहाँ पे एक एच लगा है यहाँ पे एक एच लगा इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊ बच्चों तो मिरर इमेज में मेरे पास में क्या होगा देखिए यहाँ पे जरा कि ये एमी यहाँ पे है और यहाँ पे आपका एच है यहाँ पे एक आपका एच है ध्यान से देखो मिरर रिमेश दिख रही है ना अब यहाँ पे मेरे पास में एमी के ठीक सामने यहाँ पे ये एमी के ठीक सामने यहाँ पे एमी आता है इसी तरह से अपन मिरर इमेज देखते हैं तो यू कैन सी कि ये क्या है एक दूसरे के मिरर इमेज है इनाशोमर्स तो है लेकिन ये कौन से वाले हैं ये आपके कन्फर्मेशनल इनांशोमर्स है और हमें पता है कि कंफर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं तो आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो तो आप इन्हें क्या बोलोगे नॉन रिजोल्वेबल बोलोगे ठीक है ना तो यहाँ से मैं कंक्लूजन क्या निकलता देखिए यहाँ से आप ये एक्साम्पल्स नोट करें उसके में कंक्लूजन क्या निकलता मैं ये क्यों बता रही हूँ एकदम एग्जाम एक के टाइम पे ये बहुत काम का है ठीक है ना कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कंक्लूजन में मेरे पास में आपको जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी आपके नॉन रिजॉल्वबल कंपाउंड्स होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे ठीक है ना तो अगर आप एग्जांपल याद रखते हो तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड्स नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड आर ऑलवेज ऑलवेज है ना ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव मैक इट अ पॉइंट ठीक है ये याद रखना अच्छे से और जो रिजोल्वेबल होते हैं रिजोल्वेबल कंपाउंड क्योंकि आपको थ्योरेटिकली ये पूछ सकते हैं रिजोल्वेबल कंपाउंडस आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्लियर